अब एक शुभ समाचार, ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ से सामने आ रहा है। देखिए, चंडीगढ़ में क्रिकेट नौजवानों को नशे की तरफ भटकने से रोकने का जरिया बना है। नौजवानों को सही राह दिखाने के मकसद से यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन और पुलिस ने मिलकर गली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। ये टूर्नामेंट क्रिकेट की प्रतिभाओं को तलाशने में भी बेहद मददगार साबित हो रहा है। क्रिकेट का ये मैदान खेल की नई प्रतिभाओं को तलाशने के साथ साथ नौजवानों को सही राह पर लाने का प्रयास है। चंडीगढ़ पुलिस और यूनियन टेरिटरी क्रिकेट एसोसिएशन ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए गली क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया। इस पहल से क्रिकेट के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का मंच मिला, साथ ही नौजवानों को ड्रग्स या अपराध की तरफ भटकने से रोकने में भी मदद मिली है। नशा मुक्ति के साथ हमने अभियान के साथ जोड़ा और इसका स्लोगन हमारे कार्यक्रम का है, बल्ला घुमाओ नशा भगाओ। इसके साथ जो बच्चों का जो इंटरेस्ट शो हुआ, एक तरफ तो नशा मुक्ति के वो मेरे एम्बेसडर बन गए, वो वहां ओथ लेते हैं मैच शुरू होने से पहले, दूसरी तरफ मेरी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ गई। मैंने कोई 16 बच्चे अभी तक मैं चिन्हित कर चुका हूं कि जिनको मैं बीसीसीआई के टूर्नामेंट में ट्रेनिंग देके मैं उनको वहां खिलाने ले जाऊंगा, और तीसरी तरफ बच्चों का रुझान जो है स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ पाए। उनको जब एक गियर मिलता है ना, तो बच्चे का नशा जो करना है, तो मेरा मतलब खेल कूद का नशा करो, नशा जो है कोई किसी इंजेक्शन वाला वो वाला नशा ना करो। चंडीगढ़ में गली क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 204 टीमें हिस्सा ले रही हैं। दिलचस्प बात ये है कि इन टीमों का रजिस्ट्रेशन भी चंडीगढ़ पुलिस के बीट बॉक्स के जरिए किया गया। नशा मुक्त अभियान के तहत चंडीगढ़ पुलिस की इस कोशिश को खेल और समाज कल्याण विभाग का भी सहयोग मिल रहा है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट झुग्गियों, गांव और कॉलोनियों के नौजवानों को क्रिकेट में अपना हुनर दिखाने का मौका दे रहा है। तो हमारे लिए ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो लोग जिनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, जो लोग नहीं कर पाते एकेडमी ज्वाइन वगैरह ना, उनके लिए ना ये एक बहुत अच्छा मौका है। और इससे हमें ना बहुत अच्छा लगता है, एक ऐसी फीलिंग आती है ना कि हम भाई थोड़ा इंटरनेशनल टाइप खेल रहे हैं। हमें उन्होंने किट प्रोवाइड की और हर तरह का रिफ्रेशमेंट वगैरह भी देते हैं। ये जो हमारी चंडीगढ़ एसोसिएशन है और यूटीएससी के जो बड़े अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जो गली टूर्नामेंट करा, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो बच्चे चुनते हैं ना, छोटी छोटी जो गलियाँ होगी, छोटे शहर हो गया, फिर गांव से ऐसे प्लेयर को उठाती है, उन्हें टीम के रूप में खिलाती है और उनसे कुछ ऐसे बच्चे छांटती है जैसे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है कि वो आगे फ्यूचर में जैसे बीसीसीआई द्वारा सिलेक्टर द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं और वो इंडिया के लिए भी खेल सकते हैं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए नौजवानों की ऊर्जा को सही दिशा देने की कोशिश हो रही है। यूटीसीए का प्रयास है कि आगे चलकर इन खिलाड़ियों में कुछ नौजवान राष्ट्रीय स्तर पर चंडीगढ़ का नाम रोशन करें। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, गुड न्यूज़ टुडे।